सपना की वीडियो आने के बाद दो खेमों में लोग बट गए हैं। एक खेमा वो जो सपना को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और जहां पे सपना के साथ लोग कुछ कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, फिजिकल अब्यूज हुआ है, सास ससुराल अच्छे नहीं थे जिस तरह से रिकॉर्डिंग्स आई, ठीक है। और एक खेमा ऐसा बट चुका है जहां पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब माँ बाप जो बुड्ढे माँ बाप हैं उनका कोई चैनल नहीं है तो उनकी तरफ से आवाज़ कौन उठाएगा, उनकी तरफ से कोई नहीं है, और जो लोग उनको इतनी भरपूर मात्रा में सिर्फ एक जो वीडियो है उसके बाद गाली दे रहे हैं, ये वही माँ बाप हैं जो वीडियोस में प्यार करते हुए भी दिखते थे, ये वही माँ बाप है जो वीडियोस में जो पोतियाँ थी उनके साथ खेलते हुए भी दिखते थे, ठीक है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग सपना ने करके रखी थी संभाल के क्यों रखी थी, ठीक है, जब उसको इतना प्यार मिल रहा था राजवीर चौधरी से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं लोगों की। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आप बिल्कुल अपना रख सकते हैं, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन चाहे वो सपना हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, हमें पेरेंट्स की भी इज्जत करनी है कि ठीक है उनका भी दुख बहुत बड़ा है और सपना का भी बहुत बड़ा दुख है। जो लोग कह रहे हैं कि उनके माँ बाप तो अब एक तरह से जिंदा लाश ही हैं, उनके दो बेटे चले गए, उनका बहुत बड़ा दुख है, सपना के पास YouTube चैनल है, वो तो कमा भी लेगी, अपनी बेटियों को बड़ा भी कर लेगी, लेकिन माँ बाप के पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है सपना ने अपनी चीज़ें जो रखी हैं जिस तरह से भी, ठीक है, लेकिन माँ बाप की तरफ से कोई आवाज़ नहीं है। इसलिए जो लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि वो लोग बड़े हैं, ठीक है, आप लोग अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन प्लीज किसी के लिए इतने गंदे शब्दों का यूज मत करिए। कल मेरी वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट्स आए थे जहां पे लोग बहुत ही गंदा गंदा बोल रहे हैं। देखिए ऐसे मत बोलिए, उनकी स्थिति उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है अभी एक्चुअली में। हम सपना को डेफिनेटली इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सपना की जो वीडियो आई है ना सही में उसने रोंगटे खड़े किए हैं, ठीक है। जिस परिवार को अभी तक सब लोग इतना पसंद कर रहे थे उस वीडियो में, जिस तरह से उसका गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से मुंह दबाया जा रहा है, ठीक है, उस वीडियो के बाद लोग इसीलिए उनके मन में जो इनके ससुराल वाले हैं, ठीक है, इनके हस्बैंड हैं, उनके लिए इतनी हेट भर चुकी है, ठीक है, इसलिए लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं। और सपना ने जो जो चीजें दिखाई, जिस तरह से रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, लोगों का ये भी कहना है कि रिकॉर्डिंग में जो इनके फादर हैं वो तो इससे अच्छे से ही बात कर रहे हैं, है ना, और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि जब तू ही नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं उनका कंसर्न है। देखिए एक कमेंट और आया था जहां पे लोग कह रहे थे कि जो मदर्स होती हैं फिर भी वो थोड़ा बोल के निकाल लेती हैं, जो फादर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ससुर हैं, वो शायद इतने अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहे अपने मन की हालत, दिल की हालत, लेकिन वो अंदर से टूटे हुए हैं, ठीक है। उनका ये चीज बोलना कि तू ही नहीं रहेगी, ठीक है, तो फिर हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनका कंसर्न दिखाता है, ठीक है। और काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है, शायद कहते हैं ना वक्त के साथ चीजें ठीक होती हैं, पोतियों का प्यार डेफिनेटली। देखिए अभी हमें चीजें जैसे वीडियो के थ्रू ये दिखा कि सपना ने ये बोला कि जब हम निकले एक आंसू नहीं था उनकी आंख में, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो सकती है, थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए। और कहते हैं ना प्यार डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग इसलिए परेशान हैं कि जिस तरह से उस वीडियो के बाद और जो चीजें अभी हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं कि बच्चियों को बिल्कुल रोका नहीं गया, ठीक है, और उसको जो अंशु है उसको भी, वो तो आपके पास इतने टाइम से रह रही थी, ठीक है, बहुत सारे सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ मैं इसलिए सपना को सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखा वाकई बहुत दुख हुआ कि इतने टाइम से इसने इतना बड़ा दर्द छुपा रखा था, ठीक है। और जहां तक बात होती है स्त्री धन की, उसके लिए भी साफ साफ सासू माँ ने मना कर दिया, ठीक है, आप लोग प्रॉपर्टी, जैसे जो लोग कह रहे हैं कि इसका यूट्यूब चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल इनका नहीं है, उसका तो चलो वो कमा भी लेगी, अर्निंग है उसकी, ठीक है, ये जो बुजुर्ग माता पिता है इनकी अर्निंग नहीं हो सकती। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे सपना ने बोला कि जो मथुरा वाला हम लोग एक घर बना रहे थे, आई थिंक मथुरा में कोई प्लॉट वगैरह, तो उसमें भी 25 लाख राजीव जी से, है ना, राजीव जी ने दिए थे, तो वो भी पैसे मेरे हस्बैंड के ही थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उसने बिना मतलब उसके उसके टाइम दिमाग में तो यही था ना चलो हम सब मिलके रहेंगे उस घर में, है ना, तो उसने वो पैसे दे दिए। लेकिन जैसे यहाँ पे तेरा मेरा जो हो रहा था, ठीक है, कि वो वाला घर तो मैं ही रखूंगा और जितने भी पैसे तेरे वाले होंगे मैं तुझको दे दूंगा, मेरा बस यहाँ पे ये पॉइंट है कि
सपना, ठीक है, सपना ने हमेशा से दिखा है कि सास ससुर के लिए किया है, ठीक है, जब राजवीर थे तब भी वो अच्छे से सबका सोच के ही चलती थी, लेकिन आज जब उसकी सिचुएशन हमने वीडियोस में देखी कि उसको किसी ने रोका नहीं, उसकी बच्चियों को किसी ने नहीं रोका, जब उसके घर से कोई आता था उसकी मदर के लिए कैसा ट्रीटमेंट, ठीक है, उसकी तबीयत खराब होती थी, उसके पाँव में, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब फ्रैक्चर हुआ था तो लोगों ने बोला कि सास ससुर बिल्कुल पूछ नहीं रहे थे, वीडियोस में दिख नहीं रहा था, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो बुड्ढे सास ससुर सेवा करेंगे। अरे भाई आप सेवा नहीं कर सकते हैं, सपना ने भी नहीं कहा, सपना खुद कर रही थी, अंशु खड़ी थी उसके साथ, ठीक है, उसकी मदर भी आ गई थी, लेकिन एक प्यार सा, प्यार का जो हाथ होता है सर पे आप रख सकते हैं कि हाँ बेटी हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए जब भी सास ससुर पे कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आपने देखा होगा सासू माँ को हॉस्पिटल ले जाना, उनको सपोर्ट करना, उनको गले लग लग के उनके दुख में उनको सपोर्ट करना, ये हमने देखा है, और ये इसी सपना ने किया है, जो लोग आज उस पर इतने सवाल उठा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि माँ बाप की तरफ से भी एक आवाज हमें मतलब उनकी आवाज नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो चीजें सोशल मीडिया पे लोग एक वीडियो से जज नहीं कर रहे, लोगों ने विद इन स्पैन ऑफ टाइम जो जितनी वीडियोज आई हैं, ठीक है, एक फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं तो हम लोगों ने सपना का एक अच्छा रूप देखा है सोशल मीडिया पे, एक अच्छा रूप देखा है, एक अच्छी बहू बन के उसने जो सेवा वगैरह करी है, और जब प्रॉपर्टी की बात आई तो उन लोगों ने उसको मतलब आप सोचिए जिस तरह से वो गई, और एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, किराए का घर ढूंढ रही है जहां पे भी। अच्छा मुझे एक और चीज याद आई, अभी इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया है जहां पे अभी सपना कहाँ आया, देखिए आपने कल सपना ने जब वीडियो बनाई थी उसका कुछ लोगों ने पीछे का देख के ये तक कर लिया कि ये और इसकी फ्रेंड शिवी मिले हुए हैं और इसकी प्लानिंग में वो पूरी तरह से शामिल है, क्योंकि सपना यहाँ से सीधे उसके घर ही गई है और वहीं से वीडियो बनाया है, उसका बेड साफ दिख रहा है, शिवी तुम बच के रहना वरना ये तुम्हारा घर खराब करेगी, क्योंकि क्योंकि शर्म तो इसमें अब नहीं है और किसी को खुश ये देख नहीं सकती, सो प्लीज सावधान रहना, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो और अपने ससुराल वाली वालों को प्यारी हो। और इस चीज के बाद फिर मैंने भी वहां पे शिवी का कुछ वीडियो देखा जहां पे मुझे लगा हाँ सपना वही है, क्योंकि वो पीछे का दिख जाता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं इन दोनों ने पहले से ही प्लान बना के रखा था, आप एक बात सोचिए, सपना जिस टाइम जैसे अंशु चली गई उसने अगर अपना ये डिसीजन लिया कि मुझे जाना है, वो अपने मायके नहीं गई है, ठीक है, और जो असली फ्रेंड होती है, मुझे नहीं पता ये शिवी के घर है या फिर शिवी के घर नहीं है जहां पे भी है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि कहते हैं ना कि अगर आपका जो दोस्त है वो आपके सुख से ज्यादा आपके दुख में आपको सपोर्ट करेगा, और अगर सपना वहां पे गई तो सपना ने कुछ सोच के ही गई है ना वहां पे, अगर वो शिवी के घर गई है तो मैं कह रही हूँ, ठीक है। और शिवी का भी एक टाइटल आया है, मैंने अभी हालांकि वीडियो नहीं देखा है, मैं बहुत खुश हूं दीदी आ गई मेरे पास, ऐसा कुछ टाइटल है, हो सकता है आप लोगों ने देख भी लिया हो। अब सपना यहां पे है कि सपना कहां पे है, हाँ इनका टाइटल है कि दी मेरे पास आ गई फाइनली मैं बहुत खुश हूं। तो मेरे को ये लगता है कि अगर उसने एक फ्रेंड होने के नाते, छोटी बहन होने के नाते अगर सपना का सपोर्ट किया इस टाइम, ठीक है यार उसके साथ दो दो बच्चियां हैं, वो उसका मायके वो नहीं जाना चाहती, वो अगर रहना चाहती है आसपास, और जो लोग कह रहे हैं उसका पहले से ही प्लान था, तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लान पहले से होता तो वो ऊपर जैसे किचन में सामान वगैरह डाल रही थी, सफाई कर रही थी, आपने देखा था सलोनी के साथ मिलके, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसने अभी करी थी अपने घर के लिए, तो वो सब चीजें नहीं करती, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, किसी के लिए भी नेगेटिव कमेंट्स मत करिए, और मेरे को लगता है ना समय देना चाहिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उधर जो माँ बाप हैं उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, तो हम उनको भी गलत नहीं बोल सकते हैं। गलत डेफिनेटली हम बोलेंगे सूरज चौधरी को, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो मर गया पति, तुमने उसको तक नहीं छोड़ा, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स दिखाई, लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग्स दिखाना इसलिए जरूरी था आप समझिए, क्योंकि लोग सपना को बहुत गलत समझ रहे थे, लोग सोच रहे थे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, इसके मायके वाले आते हैं, मायके वालों के साथ इस तरह का मतलब, मायके वालों को बार बार क्यों लाती है, तो उसको ये सब चीजें इसलिए क्लियर करनी पड़ी कि मायके वाले वालों के साथ भी कैसा बिहेव होता है मेरे जब घर पे आते हैं, ठीक है, और कि जो आप लोग सोचते हो कि सास ससुर इतने अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं सास ससुर ने मुझे पिटवाया, ठीक है, मुझे उस पति से, तो वो रिकॉर्डिंग, लेकिन हाँ दिमाग में ये चीज आती है, मेरे भी आई जब लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि रिकॉर्डिंग संभाल के क्यों रखी,
क्या दिमाग में आपके ये था कि कभी ना कभी आप इन रिकॉर्डिंग्स को रिलीज करोगे, राइट? सो फ्रेंड्स, यही था वीडियो. बाकी यस, मुझे लगता है कि पूरी चीजें हमें अभी क्लियर नहीं है. ठीक है, हमने एक साइड ऑफ द स्टोरी देखी है, लेकिन दूसरी साइड जो एक माँ बाप की स्टोरी है वो भी हमें पता होनी जरूरी है, राइट? तो बिल्कुल किसी के लिए भी कोई गंदा कमेंट मत करिए, ठीक है? किसी को बद्दुआएं मत दीजिए. कहते हैं ना, भगवान है, सब देख रहा है. इस टाइम जो लीगल एक्शन है, देखिए सपना ही जानती है एक्चुअली में. लेकिन सपना का उस वीडियो के बाद वाकई मैं भी बहुत दुखी थी, और मेरे को लग रहा था कि जब पति नहीं रहते तो इस तरह का टॉर्चर होता है, इस तरह से कोई कुछ नहीं दिया जाता है. लेकिन यस, मैं बार बार कहती हूँ कि प्रॉपर्टी सपना बना लेगी, लेकिन जान है तो जहान है. हमें नहीं पता वाकई उसके सास ससुर उसके साथ गलत चीज करते थे, मारते थे, पीटते थे, या वर्बली उसको सुनाते थे, ताने देते थे, जो भी चीजें हैं. लेकिन जब उसने नरक बोला था ना, उस वर्ड में बहुत कुछ था. तो वो ऐसे ही नहीं बोलेगी. और जिस तन लागे वो तन जाने, वो वहां रही है, ठीक है, वो वहां जानती है. और अंशु, आप सोचिए, उसकी ननद, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि वो उसकी कौन है, सगी ननद है. तो मैं बताना चाहती हूँ, सगी ननद नहीं है, जो अंशु के पापा हैं वो सपना की सास के ब्रदर हैं, ठीक है? तो अंशु भी अपनी भाभी को सपोर्ट कर रही है, सोचिए, है ना? अगर सपना कहीं से भी गलत होती तो शायद अंशु राजवीर जी के जाने के बाद सपोर्ट नहीं करती सपना को, राइट? तो चलिए, ये था मेरा वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा. बाकी यस, मैं बस यही कहूंगी कि सपना को स्ट्रांग रहना चाहिए, सपना को, क्योंकि आगे अपनी बेटियों का फ्यूचर बनाना है. यूट्यूब आज है नहीं है, ठीक है, हमें ये भी नहीं पता. जो लोग कह रहे हैं कि इसकी तो अर्निंग हो जाएगी, देखिए जैसे टिकटॉक बंद हो गया, हो सकता है यूट्यूब भी बंद हो जाए, है ना? तो इसीलिए शायद जो लोग कह रहे हैं कि उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक है उसकी बेटियों का, सपना का भी हक है, उसको अपना हक लेना चाहिए. और मुझे लगता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो बच्चियों का हक है, और ऐसे सास ससुर बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि उसको नहीं देंगे, ठीक है? थोड़ा सा वक्त जरूर देना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.